भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35 हजार करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के 1 लाख से भी अधिक फौजी परिवारों को हुआ है। इसी भावना के साथ हम निरंतर पूरी ईमानदारी से देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है,